Hello friends, good morning everyone. Today in this video lecture I am going to discuss a short story, and this short story is The Lady and the Tiger. It is written by Frank R. Stockton and it was published in the magazine The Century in 1882. Friend, this short story is too much fabulous. So without wasting the time, now I would like to start the video. So friends, इस short story में एक king है. बहुत टाइम पहले की बात है, एक किंग जो कि एक सेमी बार्बरिक किंग होता है, उसने अपने ही किंगडम में एक स्टेडियम बनवाया हुआ है. मीन्स एक अरेना पब्लिक के बीच में बहुत बड़ा स्टेडियम बनवाया हुआ है जिसमें कि 5000 पीपल्स एक टाइम में आ सकते हैं. जब ये स्टेडियम तैयार हो रहा था तो वहाँ की पब्लिक तरह तरह की बातें कर रही थी कि हो सकता किंग ने ये जो स्टेडियम बनवाया है वो एंटरटेनमेंट के लिए हो, डांस के लिए हो, सिंगिंग के लिए हो. लेकिन एग्जैक्टली इस अरेना को बनवाने के पीछे पर्पस क्या था वो सिर्फ किंग जानता था. जब ये स्टेडियम बन के तैयार हो जाता है तो उस स्टेडियम पर किंग आते हैं और वहाँ की पूरी पब्लिक आती है. तो किंग वहाँ पे ये अनाउंस करते हैं कि एग्जैक्टली इसको बनाने के पीछे मेरा पर्पस क्या था. तो बताते हैं कि मेरे किंगडम में जो भी रॉन्ग डूइंग करेगा, मीन्स गलत काम करेगा, उसको हम पब्लिक के बीच में पनिश देंगे. इसी स्टेडियम में, इसी अरेना में इसको पनिशमेंट देंगे. अब आप लोग बताइए कि मेरा डिसीज़न रॉन्ग है या राइट है. पूरी पब्लिक एक्सेप्ट करती है कि जो किंग ने सोचा है वो एकदम सही है, वेरी गुड डिसीज़न लिया है. अब किंग बोलता है कि अब आपको नेक्स्ट वीक इसी टाइम पे फिर से यहाँ पे आना है, हम लोग देखेंगे कि कौन सा रॉन्ग डूइंग से आप लोग मिलने वाले हो. उसके बाद पब्लिक वहाँ पे हमेशा आती. नेक्स्ट वीक एक टाइम फिक्स था, उस टाइम पे सारी पब्लिक आती, वहाँ पे देखती जो भी रॉन्ग डूइंग करता था उसको पनिशमेंट दी जाती थी. पनिशमेंट में क्या होता था कि उस स्टेडियम में दो डोर लगे हुए थे, मीन्स दो दरवाजे थे. एक दरवाजे के अंदर लेडी थी और दूसरे दरवाजे के अंदर एक हंग्री टाइगर था. अगर वो जो रॉन्ग डूइंग पर्सन था, अगर वो ऐसा दरवाज़ा खोलता जिससे लेडी निकलती, तो उसको एट रैंडम उससे शादी करनी होती थी. ये कोई मैटर नहीं करता था कि वो पहले से मैरिड है या नहीं है. अगर वो सेकंड दरवाज़ा खोलता था जिससे हंग्री टाइगर निकलता था, तो वो हंग्री टाइगर उसको ना एकदम पीसेस में डिवाइड करके उसको खा जाता था. ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चॉइस थी जो कि पूरी डिपेंड करती थी उस रॉन्ग डूअर्स के ऊपर. अब यहाँ पे हमेशा ऐसा होता रहा, जिसकी वजह से उस किंगडम में बहुत सारे रॉन्ग डूअर्स भी कम हो गए, क्योंकि लोग इस पनिशमेंट से बहुत ही ज़्यादा डरते थे कि पता नहीं वहाँ पे क्या होगा. जब पब्लिक इकट्ठा होती थी, जब कोई रॉन्ग डूअर को पनिशमेंट मिलती थी, तो वहाँ पे अगर लेडी आती थी तो उसे शादी होती थी. सब लोग उसके ऊपर फूल फेंकते थे, डांस करते थे, गाना गाते थे और खुशी खुशी घर जाते थे. लेकिन जब कभी भी कोई रॉन्ग चॉइस हो जाती थी और अगर टाइगर निकलता था, तो सब लोग जो लोग फूल लेके आते थे अपने साथ, उनको लेके अपने घर वापस चले जाते थे. अब ऐसे ही चलता रहा. उसके बाद यहाँ का जो किंग था, जिसकी अभी हम लोग स्टोरी सुन रहे थे, उसके एक बहुत ही ब्यूटीफुल डॉटर थी. मीन्स शी वॉज एवरीथिंग फॉर द किंग. वो अपनी बेटी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था. उसकी बेटी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी. जितनी ब्यूटीफुल थी उतनी ही ज़्यादा वो क्लेवर भी थी. उसकी ग्रीन कलर की आइज थी और उसके रेड कलर के बड़े बड़े बाल थे. वो बहुत कम मुस्कुराती थी, लेकिन जब भी मुस्कुराती थी तो वो बहुत अच्छा मुस्कुराती थी. लोग देखते थे एग्जैक्टली इसकी स्माइल में ऐसा क्या है, और वो इसी के लिए जानी भी जाती थी. जब भी वो बाज़ार जाती थी तो पूरी पब्लिक, पूरे बच्चे उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करते थे. जहाँ तक वो जाती थी वहाँ तक उसको फॉलो करते थे. लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई भी उसको नज़र उठा के देख सके. पब्लिक वेट करती थी कि कभी शायद इस प्रिंसेस की मुस्कान देखने को मिल जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था. एक बार ये प्रिंसेस बाहर जा रही थी तो उसने गार्डन में देखा एक यंग यूथ, एक बहुत ही फेयर हैंडसम यूथ वहाँ पे गार्डनिंग कर रहा था. वो इसके किंग के गार्डनर का बेटा होता है. जब यहाँ पे प्रिंसेस ने उसको देखा तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई.
उस फेयर यूथ के डार्क ब्लैक बाल थे, बढ़िया सी उसकी मूछें थीं और जब वो हंसता था तो उसके वाइट टीथ चमकते थे। यहाँ पे प्रिंस इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और उसको लगता है कि शायद ऑल ओवर वर्ल्ड में इससे ज़्यादा कोई हैंडसम लड़का हो ही नहीं सकता। और वो प्रिंसेस उससे बातें करना स्टार्ट कर देती है। वो फेयर यूथ बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि प्रिंसेस मुझसे क्यों बात कर रही है, लेकिन वो अपनी नज़रें उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं करता, मैं उसकी तरफ नज़र उठा के नहीं देखता। लेकिन जब प्रिंसेस हंसती है तो इसकी मुस्कान देख लेता है और उसकी आँखों में देखता है तो उसकी आँखें ग्रीन कलर की होती हैं और वो उससे प्यार करने लगता है। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और डे बाय डे इनका लव एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब ये लोग कोशिश करते हैं कि लोग डेली मिले, लेकिन ये ऐसे टाइम पे मिलते हैं एक दूसरे से जब लोगों की नज़र इनके ऊपर ना पड़े। अब एक दिन किंग को ये पता चल जाता है, किंग गार्डन में देख लेता है अपनी बेटी को, प्रिंसेस को इसके आर्म्स में, इसकी बाहों में देख लेता है। इसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। अब यहाँ पे भी इसने रॉन्ग चीज़ की थी, मीन्स ये भी रॉन्ग डूअर्स बन गया था। इसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, इसको एक डार्क प्लेस में डाल दिया जाता है। खाने के लिए सिर्फ इसको ब्रेड और वाटर दिया जाता है इसको। उसके कुछ दिन के बाद इसको निकाल के स्टेडियम में ले जाया जाता है। अब जब स्टेडियम पे ले जाया जाता है तो यहाँ पे प्रिंसेस समझ जाती है कि अब यहाँ पे क्या होने वाला है। प्रिंसेस सुबह सुबह, जिस दिन पनिशमेंट का डे होता है, उस दिन प्रिंसेस सुबह सुबह जल्दी से उठती है और उस स्टेडियम पे जाती है। वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनको मनी देती है और उनसे बोलती है कि ये बताओ आप कि यहाँ पे किस डोर पे हंग्री टाइगर है और किस डोर पे लेडी है। यहाँ पे वर्कर्स बताना तो नहीं चाहते थे, लेकिन पावर और मनी की वजह से उनको बताना पड़ता है कि किस डोर पे टाइगर है और किस डोर पे लेडी है। अब प्रिंसेस ये जानना चाहती थी कि वो लेडी कौन है, तो यहाँ पे वर्कर्स बड़ी मुश्किलों के बाद बताते हैं कि वो जो लेडी है वो किंग के ड्राइवर की बेटी है, जिसको कि प्रिंसेस बहुत अच्छे से जानती थी। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल चार्मिंग लड़की थी वो, जिसके ब्राउन कलर के बाल थे और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। जैसे ये बात प्रिंसेस सुनती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो पहले भी इसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी। नफ़रत करने की वजह ये भी थी कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, और दूसरी चीज़ ये भी कि कभी कभार उसने इस ड्राइवर की बेटी को अपने लवर से बात करते हुए देखा था, तो उसको ये लग रहा था कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो ये मेरे लवर से बातें कर रही है, मीन्स ये प्रिंसेस के लवर से बातें कर रही है। और फ्रेंड्स, इसका जो लवर था, जो फेयर यूथ था, वो बहुत ही ज़्यादा लो बैकग्राउंड का था, लो कास्ट का था, जिसकी वजह से इन दोनों की शादी होना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। ये चीज़ ये दोनों लोग बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना लव इन्होंने कंटिन्यू किया। अब उसके बाद यहाँ पे जब इसको ये चीज़ पता चल जाती है तो ये अपने घर वापस चली जाती है। अब फाइनली वो टाइम, जो फिक्स टाइम था, आता है जब उस रॉन्ग डूअर्स को पनिशमेंट देनी होती है। किंग आते हैं, बैठते हैं अपने सिंहासन पे और उनकी डॉटर भी उनके बगल में बैठ जाती है। यहाँ पे किंग पब्लिक को एड्रेस करते हैं कि आप सब लोगों को पता है कि आज का रॉन्ग डूअर्स कौन है और इसने क्या गलत काम किया है। एग्जैक्टली ये जो है ये मेरी बेटी का लवर है, इस किंग की बेटी का और इस किंगडम की प्रिंसेस का लवर है जिसने गलत काम किया है। फाइनली यहाँ पे किंग अपनी तरफ से सिग्नल देते हैं, उस स्टेडियम का बड़ा सा दरवाज़ा खुलता है जहाँ से वो फेयर यूथ बाहर निकल के आता है। उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा थक चुका है। यहाँ पे जब वो आता है तो उसकी नज़रें किंग की तरफ ना रहकर उसकी नज़रें टिकी होती हैं प्रिंसेस पे, और वो किंग के वर्ड्स को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। किंग यहाँ पे बता रहा था कि इस स्टेडियम में दो दरवाज़े लगे हैं और तुम्हें कोई एक दरवाज़े को चूज़ करना है। अगर तुमने एक ऐसा दरवाज़ा चुना कि उससे लेडी निकली तो तुम्हें उस लेडी से शादी करना होगी, और अगर दूसरा दरवाज़ा खोला, अगर उससे टाइगर निकलता है तो टाइगर, हंग्री टाइगर तुम्हें बहुत बुरी तरीके से पीसेस में करके खा जाएगा। चॉइस तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम उस दरवाजे को चूज़ कर लो। यहाँ पे ये बातें तो सुन रहा था लेकिन इसका पूरा ध्यान लगा हुआ था प्रिंसेस के फेस पे।
प्रिंसेस के फेस में जो हमेशा जब भी इस फेयर यूथ को देखती थी तो उसके फेस में बहुत ही ज़्यादा स्माइल होती थी, लेकिन इस टाइम पे उसके फेस में बिल्कुल भी स्माइल नहीं थी, वो बिल्कुल भी नहीं हंस रही थी। यहाँ पे इसको देख के बड़ा अजीब लग रहा था। यहाँ पे ये इस तरीके से उस प्रिंसेस को देख रहा था कि इसको लग रहा था कि किसी न किसी तरीके से प्रिंसेस मेरी हेल्प ज़रूर करेगी, उसको एक उम्मीद थी। जब दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराती हैं, प्रिंसेस यहाँ कुछ बोल तो नहीं सकती थी, लेकिन वो अपने हैंड के थ्रू राइट डोर की तरफ इंडिकेट करती है। और यहाँ पे जैसी इंडिकेशन मिलता है उस फेयर यूथ को, तो वो विदाउट हेजिटेशन, विदाउट एनी डाउट, वो जाता है और उस राइट दरवाजे को खोलने लगता है और खोल देता है, और यहीं पे शॉर्ट स्टोरी ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, नोबडी नोज दैट कि कौन बाहर आता है उस राइट दरवाजे से, लेडी बाहर निकलती है या टाइगर बाहर निकलता है। फ्रेंड्स, एग्जैक्टली ये जो लेडी थी, प्रिंसेस थी, ये प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा क्लेवर थी। इसको पता था कि अगर ये बच जाता है तो ये उस लड़की से शादी करेगा जो कि नथिंग थी, कुछ भी नहीं था, और इसकी रेबल भी थी, मीन्स ये उसे बहुत नफरत करती थी, और अगर टाइगर निकलता है तो इसकी जान चली जाएगी। तो एग्जैक्टली फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि उस दरवाजे से कौन बाहर आया होगा, लेडी या फिर टाइगर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।